ठंड का मौसम हो और उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए मिल जाए तो खुशी ही अलग होती है, क्यों है ना। मगर कोई तो है जो तुम्हारी इस खुशी को भंग करना चाहता है। वो आ रहा है SCP-4666 यानी द यूल मैन 2 से लेकर 2.3 मीटर्स तक लंबा है। और तो और इसे कड़ाके की ठंडी से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, ये ठंड में बिल्कुल नंगा घूमता है। ये एंटिटी चाहे तो दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल कर सकता है, मतलब जहाँ ये चाहे कहीं भी। ये एंटिटी 12 रातों के लिए अपने एक्टिव पीरियड में आता है। ये 12 रातें 21 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलती हैं। इस टाइम पीरियड में हुई घटनाओं को वाइजनाक्ट इवेंट्स कहा जाता है। अगर जहाँ आप रहते हो वहाँ पे स्नोफॉल होती है और ज़मीन बर्फ से ढक जाती है, आपके घर में एक 8 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यूल मैन का अगला शिकार आप हो। पहली 7 रातों में घर के बच्चों को यूल मैन घर से थोड़ी दूर से देखता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ज़्यादातर बच्चों को ये उनकी खिड़की से सोते हुए देखता है और ये मंज़र बहुत खौफनाक होता है। इन सब के बाद 11वीं रात तक विक्टिम्स को अपने रूफ से किसी के चलने की आवाज़ आती है। पूरे घर में एक सड़ी हुई बदबू फैल जाती है, जबकि कोई सोर्स ही नहीं होता बदबू का। इस दौरान विक्टिम्स को लगने लगता है कि उनका घर हॉन्टेड है। फिर फाइनली 12वीं रात को दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली तो यह चीज़ कि ये एंटिटी आपके घर पे आकर सारे घर वालों को एक कमरे में ले आएगा और जो बच्चा जो 8 साल से कम उम्र का है उसको साइड में बैठाकर उसके पूरे परिवार को एक एक करके बेरहमी से मार डालेगा। और फिर उसके बाद वह उस बच्चे को एक बैग में डालकर अपने साथ ले जाएगा। अगर आप लकी हो तो 12वीं रात को भी आपको किसी के चलने की आवाज़ आएगी और वहाँ कोई नहीं होगा। वहाँ के बच्चों को अजीबोगरीब गिफ्ट्स मिलेंगे जो कि ये SCP दे के जाएगा, और आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो एक SCP से। इन गिफ्ट्स को SCP-4666-A कहा जाता है और ये गिफ्ट्स आम नहीं होते, ये बच्चों की चमड़ी से बने होते हैं, और आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे एक SCP से। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजा देना और वीडियो को लाइक कर देना।